फ्रेंड वेलकम अगेन टू फिनिक्स पेट वर्ल्ड। आज का हमारा नया टॉपिक है हाउ टू फीड फिश। आज मैं आपको बताऊंगा कि फिश को क्या फीड करना है, कितना फीड करना है, कैसे फीड करना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरा ये छोटा सा सेटअप है। यहाँ पे हमारे पास गोल्ड फिश है, गप्पीज के बच्चे हैं, डेटा फिश है और पोलर पैरेट और पोलर पैरेट के बच्चे हैं, चिकलेट्स हैं और यहाँ पे रेड आई है, वाइट चिकलेट है, गप्पी है और यहाँ पे एंजल फिश है। ये गोल्ड फिश के बच्चे, गोल्ड फिश और ये थोड़े से चूज़ किए हुए हैं हमने गोल्ड फिश के बच्चे। मैं आज आपको बताऊंगा कि इनको क्या फीड करना है। ये देखिए, ये वाइट पोलर पैरेट है और यहाँ पे देखिए कॉर्नब्रेड चिकलेट है। इसको मैंने अलग करके रखा है, इनको मैंने अलग इसलिए किया क्योंकि ये लड़ते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि इनको क्या फीड करना है, कितना टाइम फीड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास फीड है, ये ऑप्टिमम 3-in-1 है और ये सिंपल ऑप्टिमम है और ये सिंपल ऑप्टिमम को मैंने ग्राइंड किया हुआ है और ये ऑप्टिमम 3-in-1 को मैंने ग्राइंड करके डाला हुआ है। ये ग्राइंड करके जो मैंने डाली है वो आती है जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे यहाँ पे बच्चे घूमते हुए दिखेंगे आपको। या फिर इस पर देखिए, इसमें क्लियर दिखेंगे आपको बच्चे घूमते हुए। और इसमें हमारे प्राइज़ है, डैनियो के प्राइज़ है और ये देखिए ऑप्टिमम 3-in-1 का पैकेट ऐसा है। इसके पैलेट्स ऐसे करके ऐसे आते हैं, बड़े बड़े पैलेट आते हैं। ये मैं बड़ी फिशेस को फीड करता हूँ और ये मेरे पास स्पून है जिससे मैं फीड करता हूँ। ये 1/4 टेबल स्पून है और मैं आपको बताता हूँ कि अब क्या फीड करना है। जैसे ये मेरे देखिए, ये मेरा बड़ा पेयर है एंजल का, इसको हम फीड करेंगे विद द फोर पैलेट ऑफ ऑप्टिमम 3-in-1। देखिए कितनी बड़ी फिश है, लेकिन मैं इसको दो ही दाने, एक मछली को सिर्फ दो ही दाने दे रहा हूँ। और सेम इन द केस ऑफ कॉर्नब्रेड चिकलेट, ये देखिए ये जो फीमेल है मैं उसको अलग से डालूंगा और जो मेल है वो बाहर ही है उसको मैं अलग से दो पैलेट डालूंगा। ये आप ये देख के मत कहिए कि मैं कंजूसी के साथ फीडिंग कर रहा हूँ या वैसा वाला, ये सिर्फ इनके हेल्थ के लिए है। ये देखिए दो पैलेट है मैं इसमें डाल रहा हूँ और इसमें पोलर पैलेट के वो है दो, एक पेयर है तो इसको देखिए मैंने 4 पैलेट 5 पैलेट डाले हुए हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं कंजूसी के कारण ऐसे कर रहा हूँ, ये इनकी हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर लिमिटेड दोगे आप, थोड़ा थोड़ा दोगे, थोड़ा थोड़ा करके आप ज़्यादा टाइम दो तो वो चलेगा। अगर आप एक्सेस में फीडिंग कर रहे हो कि फीडिंग आपकी फीड जो है, ये देखिए मेरे गोल्ड के यहाँ पे गोल्ड है और मैंने इनको सिर्फ 3 फिशेज़ है और मैंने इनको नियर बाई 8 जो पैलेट है वो फीड किए हैं। आप ऐसा करेंगे अगर कि एक्सेस में फीड करेंगे तो बच्चे कई बार ओवर फीडिंग के कारण भी मरते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे 5 to 6 येलो चिकलेट हैं तो मैं इनको भी थोड़ी सी फीड कर रहा हूँ, 1/4 टेबल स्पून कर रहा हूँ। ये देखिए और यहाँ पे ब्लू वाले हैं आप देख सकते हैं। इतनी भी फीड मत कीजिए कि एक्सेस में आपकी फीड ऊपर तैर रही है और मछलियाँ खा नहीं रही, आप फिर भी उनको और फीड डाली आ रहे हो, और फीड डाली आ रहे हो। आप ये देखो कि 1-2 मिनट में आपकी फिश जितना खाना फिनिश कर दे उतना अच्छा है। अगर आपने एक्सेस में डाल दिया घबराने की कोई बात नहीं, आप उसको फटाफट से अलग कर दीजिए, वो फीड नेट के साथ आप निकाल दीजिए। जैसे ये देखिए यहाँ पे वाइट का वो है, मैंने पेयर फीमेल अलग की है तो इसको भी 2 पैलेट डाले हैं मैंने, आप देख सकते हैं। मैं कुछ छुपा के नहीं कर रहा, आपके सामने कर रहा हूँ। ये 2 पैलेट मैंने इसको, एक पैलेट पहले डाला और एक अभी डाल रहा हूँ और एक पैलेट मैं बाहर डाल रहा हूँ और बाहर इसका मेल है वो देखिए पीछे छुपा हुआ है। और इनको मैं ऑप्टिमम सिंपल फीड करूँगा, ये भी बच्चे हैं आप देख सकते हैं इनकी क्वालिटी। और इसके नेट के अंदर कॉर्नब्रेड चिकलेट का बच्चा है। और यहाँ पे मेरे पास मोली है, मोली को भी मैं ऑप्टिमम 3-in-1 फीड कर रहा हूँ। इसमें सौ टेल मोली है, मून टेल मोली है, हाफ मून टेल मोली है। और यहाँ पे हमारे पोलर पैरेट है, इनको भी देखिए 5 पैलेट फीड कर रहा हूँ मैं, बस बाकी सबको मैं ऑप्टिमम सिंपल फीड करूँगा। टेट्रावेट जो ये मेरे पास टेट्रावेट है टेट्रा कंपनी की, ये उनको देता हूँ जो सिंकिंग पैलेट पसंद करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कितना कितने गप्पीज है और इनको मैं देखिए फीड कितनी सी फीड आ रहा हूँ। ये देखिए कभी भी भावनाओं में मत बह जाएं कि एक्सेस में फीड करूँगा, आज इनको ताकत बना दूंगा, आज इनको वो कर दूंगा, आज इनको पावरफुल बनाऊंगा इनको फीड करके, एक ही दिन में आपकी मछली कभी बड़ी नहीं होगी। ये देखिए इधर बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए मैंने ये चूज़ किया ऑप्टिमम सिंपल वाली। देखिए कितनी फिशेज है और मैंने कितने दाने डाले आप देख सकते हैं।
और सेम फॉर द केस ऑफ द डैनियो, डैनियो को हम 1/4 करते हैं। ये देखिए मैं एक मिनट में जितने ये खा सकते हैं उतने खा लेंगे, बाकी मैं जो है वो फेंक दूंगा बाहर। पर ये 1/4 जो है वो खा लेते हैं, इसमें गोरामी भी है तो ये सारी फिनिश कर देगी, कुछ नहीं बचेगा फिर, क्योंकि 1/4 ही करता हूँ मैं इनको। नियर बाई ये 10 to 15 फिशेज होंगी इसके बीच में, और यहाँ पे बच्चे हैं, इनको मैं सिंकी वो दूसरे पैलेट करूँगा, सिंपल वाले पैलेट। और यहाँ पे रेड आई और सर्वे टेटर है, इनको भी देखिए मैं 1/4 बिल्कुल थोड़ा सा फीड कर रहा हूँ। और यहाँ पे मेरे पास चिकलेट है, ये आप एक्सेस में भी फीड करेंगे तो ये खा लेते हैं। तो आपको कभी भी फिशेज कभी मना नहीं करेंगी आपको कि मेरे को ये फीड मत डालो, इतनी सी फीड डालो या इतनी सी फीड डालो, ये आपको देख के तो फिर करना है, आपको देख के फिर फीड करना है। एक्सेस में फीड ना करें, उससे आपका अमोनिया का लेवल जो है पानी में वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, उससे पानी बड़ी जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाएगा, येलो पड़ जाएगा। 1/4 टेबलस्पून, और ये 1/4 का भी आधा हिस्सा है, और ये मैं इनको दे रहा हूँ। इसमें विड्डो के बच्चे हैं और पोलर पैरेट के बच्चे हैं, इसमें गोल्ड के बच्चे हैं, थोड़े से बच्चे हैं, तो मैं इनको थोड़ी सी पीड़ डाल रहा हूँ, इसको भी आधी डालूँगा मैं। और यहाँ पे मेरे पास गप्पी के बच्चे हैं, इनको भी मैं आधा 1/4 का भी आधा हिस्सा डालूंगा। ये देखिए इसके बीच में एक टेट्रा बिटकी भी मैं डालूंगा ताकि वो नीचे बैठ जाए तो जो रेस्ट ऑफ द डे खाती रहे। ये मेरे पास बीटा की फिशेज हैं, इनको भी मैंने 1/2 टेबल स्पून डाला। और ये मेरे पास देखिए 1/4 फीड कर रहा हूँ, मेरे पास टाइगर है, इसमें विड्डो है, 1/4 फीड कर रहा हूँ मैं, और इसमें टाइगर के बच्चे हैं, और यहाँ पे डैनियो के बच्चे हैं। ये देखिए डैनियो के बड़े ज़्यादा बच्चे हैं, नियर बाई 50 के नियर बाई ये बच्चे होंगे हमारे, यहाँ पे ही प्रोड्यूस हुए हैं, यहाँ पे एग ले किए हैं डैनियो ने। और हम बच्चों को अभी देखिए जो फीड करने वाले हैं वो ये ऑप्टिमम 3-in-1 का है, ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर है, वो हम फीड करेंगे। ये देखिए इतने बच्चे हैं और सिर्फ 1/4 का भी आधा हिस्सा लिया मैंने, ये मैं बच्चों को फीड करूँगा। यहाँ पे नियर बाई 500 बेबीज़ हैं, फिश फ्राइज हैं डैनियो के, ये आप विजिबल नहीं होगा, ये देखिए इसको 1/4 हिस्सा फीड कर रहा हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ अगर पॉसिबल हो ना। ये देखिए आपको छोटे छोटे फ्राइज इसमें घूमते हुए दिखेंगे, अभी शायद से आपको क्लियर दिख रहा हो, इसके बीच में फ्राइज घूमते हुए। तो इसी के साथ में देखिए यहाँ पे गप्पी ये बच्चों को मैं थोड़ी सी फीड डालूंगा, ये इतनी फीड है, इसका भी थोड़ा सा हिस्सा कि अगर कोई छोटा सा बच्चा हो वो भी खा ले। ये देखिए बाकी बच गया, बाकी मैं गोल्ड में डाल दूंगा कि अगर कोई छोटा सा बच्चा हो तो वो खा ले। एक्सेस में फीड डालेंगे आपका पानी ख़राब हो जाएगा बड़ी जल्दी। और ये देखिए 1/4 हिस्सा, और ये देखिए आपके सामने मैं फीडिंग कर रहा हूँ। अब जो मैं इनको फीड करूँगा वो रात को करूँगा, ये देखिए 1/4 से भी आधा हिस्सा ये। और ये मैं यहाँ पे टाइगर के बच्चे हैं, आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए टाइगर का बच्चा, न्यू टाइगर का बेबी है ये। इस पर शीशा थोड़ा साफ नहीं है तो इसके कारण दिखेगा नहीं आपको प्रॉपर। तो इसी के साथ आप ये देखिए यहाँ पे देखिए मूली के बच्चे हैं, इनको भी मैं 1/4 हिस्सा डाल रहा हूँ। और यहाँ पे चिकलेट के बच्चे हैं छोटे से, इनको देखिए 1/4। इसमें नियर बाई 10 to 12 बेबीज होंगे, इनको थोड़ी सी डाल रहा हूँ। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फीड कैसे करते हैं, कैसे फीड होते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे बड़े ज़्यादा बच्चे हैं, नियर बाई 1000+ बेबीज़ होंगे, यहाँ पे फिश फ्राइज होंगी, और इनको देखिए मैं बिल्कुल इतनी सी फीड कर रहा हूँ, 1000+ बेबीज़ को भी मैं इतनी सी फीड कर रहा हूँ, और इतनी सी रहने दी मैंने। मैंने कहा आपको कि अगर बच्चे की फीड नीचे पड़ जाएगी वहाँ पे रह जाएगी और इसमें अमोनिया बिल्ड हो जाएगा, जिसके कारण कि आपका जो है वो ख़राब हो जाएगा, जितना भी पानी है ख़राब हो जाएगा, रोज़ रोज़ पानी चेंज करोगे उसके कारण भी आपकी फिशेस मर जाएंगी। आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल आपको मूव करते हुए दिखेंगे,
वो हमारी फ़िश फ्राइज़ हैं जो कि विद्डो ने दिया हुआ है। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।